आज हम पाके संज्ञा तो कर्मवीर के बारे में देखने जा रहा हूँ। कर्मवीर इसका कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध। हरिबोध का कवि परिचय है, हरिबोध जी सन 1865 में आज महल में हरिबोध जी का जन्म हुआ था। हरिबोध जी त्रिवेदी युग के एक प्रमुख कवि थे। हरिबोध की रचनाओं के कारण आपको प्रसिद्ध मिली प्रिय प्रवास आपका महाकाव्य है। कवि की अन्य रचनाएं हैं छोटे छोटे पारिजात आदि हैं। आपके छोटे बहुत प्रसिद्ध हैं। वे कठिन से कठिन कार्य को भी अपने परीक्षण से संभव कर दिखाते हैं। इसका अर्थ है हरिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था। हरिबोध जी का जन्म 1865 में आज महल में हरिबोध जी का जन्म हुआ था। हरिबोध जी त्रिवेदी युग के ये प्रमुख कवि थे। हरिबोध जी का युग त्रिवेदी युग के प्रमुख कवि थे। कविकोली की रचनाओं के कारण आपको प्रसिद्ध मिली है। हरिबोध जी की भाषा कविकोली है। कविकोली की रचना के कारण प्रसिद्ध मिली है। प्रिय प्रवास आपका महाकाव्य है। हरिबोध जी के महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। कवि कवि की अन्य रचनाएं के नाम छोटे छोटे पारिजात आदि हैं। आपके छोटे में बहुत प्रसिद्ध है। वे कठिन से कठिन कार्य को भी अपने परीक्षण से संभव कर दिखाते हैं। हरिबोध जी की रचनाओं का नाम लिखिए। हरिबोध जी की रचनाओं का नाम सुभते छोटे शोके शोभते पारिजा आदि हरिबोध जी की रचनाओं का नाम है। हम जानेंगे कर्मवीर का पद्य। आज करना है जिसे करते उसे हैं, आज भी सोचते करते हैं, जो कुछ कर दिलाते हैं वही मानते जीते हैं, सुनते हैं सदा सबकी कभी जो मदद करते हैं अपनी इस जात में आपकी। इसका अर्थ है आज करना है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज की, सोचते करते हैं जो कुछ से दिखाते हैं वही मानते जी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कभी हैं। इसका अर्थ है कर्मवीर आज के कामों को आज के कर दिखाते हैं। जी इसमें जी का अर्थ है मन। जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है मन। हरिबोध जी कहते हैं कि कर्मवीर आज के कामों को आज के कर करते हैं। वे मन में सोचते हैं, वे दिखाते हैं उसी को कहते हैं, जो उसी को दिखाते हैं वे सबको बातें सुनकर वे बातें सुनते हैं सदा सबकी दरी जो मदद करते हैं। इसमें मदद का अर्थ है सहायता। मदद का अर्थ क्या है? मदद का अर्थ है सहायता। वे स्वावलंबी होते हैं, वे दूसरों को सहायते ताप नदी करते हैं। वे दूसरों को सहायते ताप नदी करते हैं। इसका में भूल कर भी दूसरों को मुक्त कभी कांपने नहीं। काम ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं हैं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं हैं। इसका अर्थ है कि जो वे दूसरों को सहायते वे दूसरों को मदद का अर्थ है। मदद का अर्थ है सहायता। वे दूसरों को सहायता ताप में नहीं रखते हैं, जो कभी अपने समय को
हरिभो जी कहते हैं कि कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। कभी हरिभो जी क्या करते हैं, हरिभो जी कहते हैं कि कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। आजकल करते हुए जो दिन होते हैं नहीं यत्न करने से कभी जी को चुराते हैं नहीं। बात है वह काम जो होती नहीं गुण के लिए वे नमूना और बन जाते हैं औरों के लिए है। इसका अर्थ क्या है, कर्मवीर आज के कामों को आज के कर देते हैं। वे हरिभो जी कहते हैं कि कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। वे आज कल करते हुए जो भी होते हैं आज आज करूंगा नहीं कल नहीं करूंगा आज करूंगा कल नहीं करूंगा। यत्न करने से कभी जीवी चुराते हैं नहीं है। आज करूंगा कल नहीं करूंगा वे ऐसे सोचकर तीनों समय नहीं बर्बाद है। यत्न करने से काफी चीज को चुराते हैं। वे मन में सोचते हैं कि वे काम करने के लिए यत्न करते हैं। बहुत है वह काम जो होती है न कि उनके लिए वे नमूना और बन जाते हैं और उनके लिए। इसका अर्थ क्या है, हरिभो जी कहते हैं कि कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं होते हैं। आज करूंगा कल नहीं करूंगा अपने ऐसे सोचकर अपने दिन और समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे काम करने के लिए यत्न कर करते हैं वे काम में वे यत्न के पीछे नहीं करते हैं। आज कर करते हुए जो दिन आते हैं नहीं यत्न करने से कभी जी को चुराते हैं नहीं। बात है वह काम जो होती नहीं उनके लिए वे नमूना और बन जाते हैं और उनके लिए। चिलचिलाती दूध को जो चांदनी देने बना काम करने पर करे जो शेर कॉफी शामना जो कि हंस कंस के चबा लेते हैं लोहे का चना हैं कभी कुछ भी नहीं चिंते हैं जी में यह करना। इसका अर्थ है चिलचिलाती धूप को चांदनी धूप इसका अर्थ है सूरज का ताप। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देने बना काम पटने कर से कर करे धूप को चांदनी समझकर काम करने को निकलते हैं पर के जो शेर का भी सामना शेर तो शेर के सामने को करते तैयार करते हैं जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं वे मुसीबतों को हंसते हंसते छेद लेते हैं लोगों का चना वे काटी कुछ भी नहीं चिंते हैं वे कोई काम करने नहीं है कर्मवीर को कोई काम करने नहीं है जी में यह करना। इसका अर्थ क्या है, धूप को चांदनी को समझकर काम करने को निकलते हैं काम करने को शेर को शाम की सामना शेर को सामने को करके तैयार रखते हैं जो कि मुसीबतों को हंसते हंसते झेल देते हैं कर्मवीर को भी कोई काम करने नहीं है खड़े कुछ भी नहीं चिंगे हैं जी में यह तनाव। कोस कितने ही चले पर वे कभी तकते नहीं कौन सी है कौन जिसको खोल भी सकते नहीं काम को
औरत करते यू नहीं जो जोते सामना करते नहीं जो फूल कर मुख मोड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? कॉस इतने की चले पर वे कभी तकते नहीं। कौन सी है? कौन जिसके कोल में सकते नहीं। सुबाम को और करके यू नहीं को छोड़ते हैं। कर्मवे को कौन के और करके बीच में नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं को फूल कर मुंह मोड़ते हैं। सामना कॉपी करके नहीं को फूल कर मुंह मोड़ते हैं। वे गहन ते फूल बातें से यता नहीं तोते संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोते बन गया हीरा बुनकी के हार से है कॉर्बन कांच को करके दिखा देते हैं। वे उज्जवल रत्न है। वे गहन के फूल बातें को यानी नगिन तोते संपदा मन से कैडोरों ने नहीं जो छोड़ते हैं। वे बढ़िया कर्मणियों के हाथ में खीरा उनकी के हाथ से कार्बन कार्बन का अर्थ है कोयला। कर्मणियों के हाथ में कोयला होती खीरा बर जाते हैं। वे कांच को करने दिखा देते हैं। वे उज्जवल रत्न हैं। कर्मवीरों ने कांच कॉपी रत्न कर देते हैं। कर्मवीरों ने हाथ में कॉपी कोयला कॉपी हीरा बन जाते हैं। कांच कॉपी रत्न बन जाते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बन देते हैं। वे सपनों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। कल्प में जल राशि के बेटा जला देते हैं। वे जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। वे इसका अर्थ है पर्वतों को काटकर सड़कें बन देते हैं। पहाड़ों में भी सड़कों बन जाते हैं। वे सपनों मरुभूमि मरुभूमि का अर्थ है रेगिस्तान रेगिस्तानों में भी पानी बहाते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं। समुद्र के नीचे जहाज को भी चलते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। जंगल में कदरों को कष्ट बन जाते हैं। वे पहाड़ों को काटकर सड़कें बन देते हैं। रेगिस्तानों में भी पानी को बहाते हैं। समुद्र के नीचे जल राशि के बेड़ा चला जाते हैं। जंगलों में कष्टों और कदरों से बनाते हैं। वे नवतल का बुनकों ने हाई बहुत पगला दिया हाई बुनकों ने की निकाली ताकी सारी क्रिया जब तरफ से आज इतने देश आए फूले फूले बुद्धि विज्ञान दान वैभव के हैं जहां तेरे तरे। इसका अर्थ है नवतल का अर्थ है आकाश के नीचे भूमि। नवतल का अर्थ क्या है? नवतल का अर्थ है आकाश के नीचे का उन्होंने हाई बहुत पतला दिया उन्होंने ही निकाली ताकी सारी दिया तब तरह से आज इतने देश आए फूले फूले बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ तेरे तने हैं। कर्मवीरों ने आकाश और भूमि के रहस्य खुल गया है। वे बनाने से बुनकी वे के बन गए इतने बले वे सब
सभी हैं। हाथ से ऐसे सबूते के परे लोगे जब ऐसे समय पाकर जंगल लेके कभी देश की और जाति की वो की बलाली पी तभी। आज संसार में खाई देश बड़े जुगे हैं, उन कर्मवीरों के कारण खाई देश और वे बड़े हैं। वे सभी हैं हाथ से ऐसे शब्दों के पहले लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेने कभी हैं देश की और जाति की होगी बलाली पी दबी हैं। स्टूडेंट्स नाउ वी आर कंक्लूडेड। Hope you students understood very well. I will send you note for this poem. Have to write it on your classroom note. Dhanyavaad bachcho. बच्चों यह आपकी गतिविधि है। एक वचन से बहुवचन लिखिए। एक उंगली, उंगली, उंगली का बहुवचन चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन लिखिए। तीन आंक, चार गड़ी, पांच माला, छः मुर्गा, सात चूला आदि का बहुवचन लिखिए।